अनसीन टेज हाउ टू मैक इन 5 मिनट, ये दोनों यूट्यूब चैनल टॉप एआई क्रिएटर है जो एआई से रिलेटेड ट्यूटोरियल बनाकर बहुत ही कम टाइम में लाखों सब्सक्राइबर गैन कर लिए। और अभी के टाइम पर एआई से तो वीडियो हर कोई बना रहा है, बट टेज कैटेगरी में लॉन्ग वीडियो कुछ गिने चुने क्रिएटर ही वीडियो बना रहे हैं, जिस वजह से यहाँ कंपटीशन बहुत कम है। तो आप बाजी मार सकते हो, जिसमें मैं आपका भरपूर हेल्प करने वाला हूँ। और इस वीडियो में हम अपनी एक वीडियो को लाइव एडिट करके दिखाऊंगा कि अनलिमिटेड वीडियो आइडिया कहाँ से फाइंड करें, टेक्स्ट टू स्पीच और इनके तरह फ्री में एआई अवतार कैसे बनाएं, और सबसे मोस्ट इनरपोटेंट इनके तरह वीडियो एडिटिंग कैसे करें। तो सब बताएगा रे तेरा भाई। लेकिन उससे पहले आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं तुमको एडिटर बनाकर ही रहूंगा। तो जनता जनार्दन की जय बोलकर करें वीडियो की स्टार्ट। तो अब हमारा फर्स्ट स्टेप है हाउ टू फाइंड वीडियो आइडिया। तो इस एआई को जानने के बाद तुम्हारे पास कांटेक्ट के लिए टॉपिक की जिंदगी भर कमी नहीं होने वाली। और इसका नाम है गूगल कीवर्ड प्लानर है। नाम सुना है, ये वही बड़ा टूल है जिसे एडवर्टाइजमेंट के लिए या अपने वेबसाइट को गूगल पर टॉप रैंक करने के लिए यूज किया जाता है। तो इसका हम भी कीवर्ड को फाइंड करने के लिए यूज कर सकते हैं। तो सीधा आपको गूगल कीवर्ड प्लानर पर पहुंच करके अपने निश से रिलेटेड कुछ कीवर्ड लिखो और सर्च पर दबा दो। फिर तुम्हें ये महज ये वो सारे कीवर्ड दे देगा जो गूगल पर इस कीवर्ड से रिलेटेड सबसे ज्यादा सर्च किया जाता है। और गूगल दुनिया का नंबर 1 सर्च इंजन है और यूट्यूब का ओनर भी। तो यहाँ पर जो सबसे ज्यादा सर्च किया गया कीवर्ड है उसको नोट डाउन कर लो, जिसको तुम चाहो तो चैट जीपीटी से फुल स्क्रिप्ट लिखवा सकते हो। बट मैं तुमको सजेस्ट करूंगा कि तुम स्क्रिप्ट खुद से लिखो, क्योंकि अगर तुम एक स्क्रिप्ट भी नहीं लिख पाए तो समझ ले यूट्यूब तुम्हारे लिए नहीं है। हाँ, तुम चैट जीपीटी से कुछ एआई लिस्ट ले सकते हो, फॉर एग्जांपल टॉप 5 बेस्ट एआई टूल्स फॉर टेज क्रिएटर या टॉप 5 बेस्ट एआई टूल्स फॉर वीडियो टू टेक्स्ट। तो अब हमने टॉपिक गूगल कीवर्ड प्लानर से ले लिया और इस टॉपिक के अनुसार टॉप 5 वीडियो टू टेक्स्ट वेबसाइट। अब तुमको खुद से उस एआई टूल के बारे में लिखना है, जिसके लिए मैं तुम्हें अपना ट्रिक बताता हूँ कि मैं कैसे स्क्रिप्ट लिखता हूँ। तो ध्यान से सुनना, सबसे पहले तुमको अपने स्क्रिप्ट को कॉपी में लिखना है। स्क्रिप्ट लिखने के बाद अपना नोट्स ऐप ओपन करो और कीवर्ड का लैंग्वेज हिंदी करो, साथ ही माइक लैंग्वेज भी हिंदी कर लेना है। फिर अपने स्क्रिप्ट को नोट्स ऐप में धड़ाधड़ बोल देना है और बोलने के दौरान जो शब्द में गलती हुई हो उसको एडिट कर लेना है। और एआई तुम्हारे स्क्रिप्ट को सही से बोले तो उसके लिए तुम्हें अपनी स्क्रिप्ट को हिंदी में लिखना है और सेंटेंस खत्म होने के बाद बीच में कोमा लगा देना है, नहीं तो एआई एक सांस में पूरा स्क्रिप्ट बोल देगा। तो स्क्रिप्ट रेडी होने के बाद हमारा सेकंड स्टेप है टेक्स्ट टू स्पीच। तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्रोम ब्राउजर में सर्च करना है एलिवन लैब, और फर्स्ट लिंक पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। तो यहाँ गेट स्टार्ट पर क्लिक करके इसे अपने गूगल आईडी से साइन अप कर लेना है। देन आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, तो अपने स्क्रिप्ट को यहाँ पर पेस्ट कर देना है। और अगर ऐसा कुछ प्रॉब्लम आए तो इस वीडियो को देख लेना। तो स्क्रिप्ट को यहाँ पर पेस्ट करने के बाद जनरेट पर क्लिक कर देना है, फिर कुछ देर थोड़ा वेट कर लेना है, देन अपने वॉइस को डाउनलोड कर लेना है। एंड रिजल्ट कुछ ऐसा आया है। कुछ महीने पहले मैंने वीडियो टू टेक्स्ट ऐप पर एक शॉर्ट वीडियो बनाया था जिस पर 1 लाख से भी ज्यादा व्यूज आ गए हैं। तो वॉइस बनाने के बाद हमारा तीसरा स्टेप है कि इनके तरह एआई अवतार कैसे बनाए। तो एआई अवतार बनाने के लिए आप विर्बो एआई का यूज कर सकते हो, क्योंकि यहाँ एक ही फेस के 3 अलग अलग कैरेक्टर मिलेगा, जिसका हैंड मूव भी अलग अलग होता है और कपड़े भी सेम नहीं है। आप स्क्रीन पर देख भी सकते हो, जिस वजह से ये बेस्ट है। आपको क्या लगता है, डीआईडी एआई बेस्ट है या विर्बो? अपना राय कमेंट में बताना। और भाई लोग, विर्बो एआई में 1 जीमेल पर 2 मिनट का क्रेडिट मिलता है, लेकिन इसको फ्री में आप यूज कर सकते हो टेम्प मेल से। सिंपली टेम्प मेल से जीमेल कॉपी करो और ये क्रिएट पर क्लिक करके अपना जीमेल पेस्ट कर दो और अपने मन से कोई भी एक पिन लिख के क्रिएट कर लो, ये लॉगिन हो जाएगा। तो इस तरह आप इसको फ्री में यूज कर सकते हो। तो आपको जो भी ऑडियो इससे बुलानी है पहले, तो उस ऑडियो या वॉइस को वीडियो फॉर्मेट में कर लो, जैसे कि मैं कर रहा हूँ। उसके बाद जब विर्बो एआई को आप ओपन करोगे तो यहाँ पर आपको टॉकिंग फोटो एंड क्रिएट वीडियो का ऑप्शन मिलेगा। तो इस वाले ऑप्शन पर आपको एआई अवतार हाथ नहीं मूव करेगा, और क्रिएट वीडियो वाले ऑप्शन में आपका एआई अवतार हाथ भी मूव करेगा।
तो जिस वजह से यह वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। और यहाँ पर हमें लॉन्ग फॉर्म वीडियो बनानी है तो हम 9:16 रेशियो वाला सेलेक्ट कर लेना है। देन आपके सामने कुछ ऐसा इंटरप्रेस आएगा, तो आपके सामने दिख रही इस सुंदर कन्या के इमेज पर टेप करके चेंज अवतार पर क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पर आपको मेल या फीमेल दोनों तरह की अवतार देखने को मिलेगा और इन सभी का अपना अपना क्वालिटी है, तो आपको यहाँ पर जो भी AI अवतार पसंद आए उसे सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर जो भी बैकग्राउंड पसंद है उसको अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो, बट मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि बैकग्राउंड ग्रीन ही रखो। अब यहाँ पर इंटर टेक्स्ट पर क्लिक करके ये माइक वाला ऑप्शन पर चले जाना, फिर यहाँ से अपने वॉइस को अपलोड कर देना है। मुझे उम्मीद है कि आपको विर्बो या इकक यूज करना आता होगा, क्योंकि मैंने पहले से ही इस पर वीडियो बना चुका हूं। अगर विर्बो AI का यूज करने में कोई दिक्कत हो तो इसको देख लेना। तो यहां पर जनरेट पर क्लिक करना है, फिर यहां पर आपका ऑडियो अपलोड होने लगेगा। तो वीडियो अपलोड होने के बाद यहां पर कुछ ऐसा इंटरप्रेस आएगा और यहां पर आप सबटाइटल को भी रख सकते हो, लेकिन जो इसका सबटाइटल है वह ज्यादा अच्छा नहीं बनता, इसलिए इसको ऑफ ही रखो एंड लास्ट तक वेट करो। So, अब AI अवतार एंड ऑडियो अपलोड होने के बाद आपको एक्सपोर्ट पर क्लिक करना है। कुछ टाइम बाद यहां पर क्लिक करके अपनी वीडियो को सेव कर लेना है और इस वीडियो को आप देख सकते हैं। कुछ महीने पहले मैंने वीडियो टू टेक्स्ट ऐप पर एक शॉर्ट वीडियो बनाया था जिस पर 1,00,000 से भी ज्यादा व्यूज आ गए हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ एक ही फेस के 3 अलग अलग करेक्टर मिलेगा, जिसका ड्रेस भी डिफरेंट होता है और हैंड भी मूव अलग अलग होता है, जिस वजह से आप यहाँ 3 तरह का वीडियो बना लेना। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आपका वीडियो 3 मिनट का है तो उसको 3 पार्ट में कट कर लो और बारी बारी से तीनों वॉइस को 3 अलग से अवतार से बना लो, जिससे ऑडियंस को लगे कि कैमरामैन 3 तरफ से इसका वीडियो रिकॉर्ड किया है और यूट्यूब के अल्गोरिथम को भी रिपीट कंटेंट ना लगे। आई थिंक आप समझ गए कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। तो अब हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो का सबसे हॉट टॉपिक, AI वीडियो एडिटिंग की, इनके तरह वीडियो एडिट कैसे करें। लेकिन जो आप वीडियो अभी देख रहे हो, इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैं शॉर्ट वीडियो कैसे एडिट करता हूँ उसको पूरा बताया था इन शॉर्ट ऐप। तो अगर आपने उसे देखे बिना ये वीडियो देख रहे हो तो आपको ये समझने में थोड़ा मुश्किल होगा, इसलिए पहले आप इसे देख लो, देन ये वीडियो देखो। लेकिन अगर आपको वीडियो एडिटिंग की बेसिक जानकारी है तो आप मेरे साथ जुड़े रहो। तो हमेशा की तरह मैं अपना वीडियो एडिट इनशॉट ऐप में एडिट करता हूँ और इनशॉट ऐप में मैंने पहले से ही वीडियो एडिटिंग करके रखा हूँ। आप यहाँ देख सकते हो मैं कितना सारा क्लिप और साउंड इफेक्ट लगाया हूँ। तो आप सभी को पता होगा हर वीडियो में एक इंट्रो होता है, फिर उसके बाद आगे मैन वीडियो स्टार्ट होती है। सेम इसी तरह मैं भी 50 सेकंड की इंट्रो के बाद टॉप 5 AI टूल बताया हूँ। तो इंट्रो एडिट करने के लिए मैं यहाँ सबसे पहले एक स्टूडियो का फोटो लगाया हूँ, ये मैंने प्लस पर क्लिक करके फोटो वाले ऑप्शन से ऐड किया हूँ। उसके बाद 11 लैब्स का वॉइस ऐड करने के लिए यहाँ म्यूजिक पर क्लिक करके यहाँ इफेक्ट में जाना है और माई म्यूजिक से इंट्रो वॉइस ऐड कर लेना है। और जितना बड़ा अपना वॉइस है उतना ही बड़ा इस सेटअप इमेज करना है। फिर इस AI अवतार को ऐड करने के लिए मैं पिप वाले ऑप्शन पर जाकर विर्बो AI से जो वीडियो बनाया था उसको ऐड कर लिया था और यहाँ पर जो ग्रीन स्क्रीन है इसको हटाने के लिए मैंने सिंपली क्रोमा पर क्लिक किया और जो ये गोल गोल दिख रहा है इसको हरे वाले पार्ट पर ले जाना है। वह यहाँ जो स्ट्रेंथ लिखा है इसको फुल कर देना है, फिर ये हट जाएगा। ये सब बेसिक एडिटिंग है, आपको ये सब आता ही होगा। और यहाँ पर जो कैप्शन लगा है ये मैंने सब मैजिक डॉट AI से किया है। सिंपली आपको क्रोम ब्राउजर में सर्च करना है सब मैजिक और जीमेल ID से साइन ऐप करके आपको वीडियो को अपलोड कर देना है। फिर यहाँ से कोई भी एक फॉन्ट एनिमेशन सेलेक्ट कर लेना है, देन एक्सपोर्ट कर लेना और कुछ सेकंड बाद डाउनलोड कर लेना है। फिर दोबारा इनशॉट ऐप में आ जाना है। फिर कैप्शन वाली वीडियो को मैंने ऐड किया और यहाँ सब मैजिक का वाटर मार्क है तो क्रॉप पर जाना, फिर जहां तक वाटरमार्क है वहां तक इसको क्रॉप कर लेना है। फिर यहां ब्लाइंड पर क्लिक करके स्क्रीन कर लेना है फ्री डन। तो जहां तक अपना इंट्रो है वहां तक मैं कैप्शन ऐड कर लिया हूं। अब उसके बाद AI टूल एक्सप्लेन करने का टाइम है, लेकिन उससे पहले एक चीज आपने नोटिस किया होगा, मैं यहां पर 11 लैब्स का वॉइस भी ऐड की है और AI अवतार भी यूज किया है, तो उसमें भी वॉइस है और जो कैप्शन ऐड किया है उसमें भी वॉइस है। तो तीनों में से आपको कैप्शन वाला और जो 11 लैब्स का वॉइस है
इसको म्यूट कर देना है। केवल यही एआई अवतार का वॉइस रहने दो, इससे इसका लिपसिंग और वॉइस का बैलेंस नहीं बिगड़ेगा। अब इंट्रो का काम खत्म होने के बाद जो ये ग्रिड बैकग्राउंड है, इसको मैं यहाँ प्लस पर क्लिक करके फिर वीडियो पर जाकर ऐड किया हूँ। जैसे कि मैं ये वाला किया हूँ तो मैंने पहले से ऐड कर रखा है, तो इसको डिलीट कर देता हूँ। अब मैं दोबारा मैंने म्यूजिक वाले ऑप्शन में जाकर फर्स्ट एआई टूल का वॉइस ऐड कर लिया साइट। उसके बाद पिप में जाकर दोबारा ये एआई अवतार ऐड कर लेना है, और यहाँ मैं दो एआई अवतार यूज किया है तो इस वजह से एक ट्रांजिशन इफेक्ट लगाना है। अब ये बोल रहा है हमारी पहली वेबसाइट है, तो जहां ये वेबसाइट का नाम ले रहा है वहां मैं इसके स्क्रीन रिकॉर्ड लगाया है, और स्क्रीन रिकॉर्ड को वॉइस के हिसाब से मैच कर लेना है, और इस रिकॉर्ड पर क्लिक करके यहां क्रॉप पर जाना है, फिर जो इसका होम बटन है और ऊपर के पार्ट में वह क्रॉप कर लेना है। और यहां से अपना एआई अवतार खत्म हो गया, तो म्यूजिक पर जाकर एक कट कर और आगे वाले वॉइस का वॉल्यूम फुल कर देना है, और यहां एक एरो आ रहा है तो उसे लगाने के लिए यहां स्टिकर पर क्लिक करना है और अपने गैलरी से ले लेना है, और इसको अपने फिंगर से वहां ले जाना है जहां पर 3 डॉट है, और एडिट पर क्लिक करके एक एनिमेशन लगा देना है। यहां पर बहुत सारे एनिमेशन है तो यहां से कोई भी एक सिलेक्ट कर लेना है, और यहां स्क्रीन रिकॉर्ड झूम हुआ है तो उसके लिए मैंने एक की फ्रेम लगाया है, और जहां झूम करनी थी वहां पर झूम कर दिया, देन की फ्रेम ऑटोमेटिक लग जाता है यहां पर आप देख सकते हो। फिर ये तो अब एडिटिंग का बेसिक चीज हमने ऐड कर दिया है, उसके बाद हमें साउंड इफेक्ट और बैकग्राउंड म्यूजिक लगाना है, और जो भी ये स्टार्टिंग में सब क्लिप है और ब्लर हुआ है, ये सब मैं कैसे किया उसके लिए आप ये वीडियो देख लेना। और लॉन्ग वीडियो एडिटिंग में आपको कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स दे देता हूँ, जैसे कि आपको जहां कट लगानी है वहां पर एक ट्रांजैक्शन जरूर लगानी है जिससे वह कट पार्ट दिखे ना, और जहां एआई वॉइस नहीं है वहां बैकग्राउंड म्यूजिक का वॉइस इंक्रीज कर देना है। तो यही सब कुछ था। बाकी आप इतना वीडियो एडिटिंग का प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपका स्किल इंप्रूव होगा, और नेक्स्ट किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए वह कमेंट में बता दें। बाकी मैं जितना भी एडिटिंग मटेरियल यूज किया हूँ उसके लिए डिस्क्रिप्शन में दिए टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, और अगर जो आप अभी तक मुझे सुन रहे हो तो कॉमेंट में 444 लिख देना, भला मैं भी तो देखूं वीडियो को लास्ट तक कितने लोग देखते हैं।